ये लीजिए भैया, आपकी अमानत आपके हवाले। अरे अजय भाई, आप सुबह सुबह बोनी के समय ये कैश पेमेंट किस चीज का कर रहे हैं? अरे भरत भाई, ये सुरेश भाई है। पिछले महीने दुकान में सामान भरने के लिए जो लोन लिया था इन्होंने दिलवाया था, बड़ी आसानी से, बिल्कुल फटाफट। सुरेश भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बस उसी कमीशन की जो रकम बनती है वही दे रहा हूँ उनको। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे सुरेश भाई कहाँ चल रही है, कमीशन की रकम गिन तो लीजिए। अरे ठीक ही होंगे, आपने दिए तो। अरे एक मिनट रुकिए जरा, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है और आप ये लोन के बदले कमीशन किस चीज का ले रहे हैं? मैंने भी अपनी दुकान के लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड द्वारा इंडसइंड बैंक का भारत सुपर शॉप रिटेलर लोन एक नहीं दो बार लिया है, लेकिन मैंने तो आज तक किसी को कोई कमीशन नहीं दिया। और एक बात बताइए, जैसे कि कोई नकद की लेन देन करते हैं तो उसके बदले एक रसीद मिलती है, तो क्या आप अजय भाई को इस कमीशन के पैसों की रसीद देंगे? रे सूरज भाई, इस रकम की रसीद भी मिलती है। देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर रसीद नहीं मिलेगी तो ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। अजय भाई, अब अपनी मेहनत की कमाई ऐसे जाया मत कीजिए। बैंक कभी भी किसी लोन के बदले किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं मांगती और हर तरह की लेन देन पर आपको रसीद लेनी ही चाहिए। अगर रसीद नहीं तो लेन देन सही नहीं। मैंने भी अपनी दुकान के लिए भारत सुपर शॉप रिटेलर लोन लिया है, लेकिन उसके खाते से जुड़ी पैसों की किसी भी प्रकार की लेन देन पर मुझे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाता है। और रही बात लोन दिलाने के बदले कमीशन देने की, तो मुझे आज तक कभी भी लोन लेने के बदले में कभी किसी को कोई कमीशन नहीं देना पड़ा। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड द्वारा एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिससे अगर आपसे कोई व्यक्ति या कर्मचारी आपसे रिटेलर लोन के नाम पर कोई कमीशन मांगे तो उसकी शिकायत आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कर सकते हैं, जिससे संबंधित अधिकारी उसकी जांच करके उस व्यक्ति या कर्मचारी के खिलाफ जरूरी कार्यवाही कर सके। देखा, सच के सामने झूठ ज्यादा देर ठहरता नहीं, इसी तरह गायब हो जाता है। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, इंडसइंड बैंक का भारत सुपर शॉप रिटेलर लोन जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है, उस लोन के बदले आपको किसी भी तरह का कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है और आपके अकाउंट से जुड़े किसी तरह के लेन देन की जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए आ जाती है। याद रखिए, आपको इस लोन से संबंधित कोई लेन देन कैश में करने की जरूरत नहीं है। लोन लेने से लेकर लोन की किस्त चुकाने तक सब कुछ आपके इंडसइंड बैंक के करंट अकाउंट से ही होता है। आपको बस अपने इस करंट अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत है। यहाँ तक कि अगर आपको कभी इस लोन को बंद करना हो तो भी आपके लोन का प्री क्लोजर पूरी तरह से डिजिटल होता है। बस अपने प्री क्लोजर की राशि अपने इंडसइंड के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दे और फिर उस अकाउंट से आपके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा ये राशि डायरेक्ट डेबिट हो जाएगी। इसके बारे में आप अपने भारत सुपर शॉप के लोन ऑफिसर से सहायता भी ले सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। जानकारी में है समझदारी, अधिक जानकारी के लिए इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।